बच्ची की गला काटकर निर्मम हत्या करने वाले आरोपी की मधेपुरा पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए राज्य के बाहर महाराष्ट्र से गिरफ्तारी। दिनांक 5 अगस्त 2022 की रात्रि में भरोही ओपी को सूचना मिली कि मकड़ा गांव की पुलिया पर एक अज्ञात महिला का कटा हुआ सिर बरामद किया गया। उक्त कटे सिर की पहचान करने पर मचवखड़ा गांव की कुदरे आलम की बेटी मुर्शिदा खातून के रूप में हुई, जिसकी शादी मोहम्मद जिब्राइल पिता मोहम्मद विदेशी पोखरिया वार्ड नंबर 1 थाना श्रीनगर जिला मधेपुरा के साथ हुई थी, जिससे 3 बच्चे भी हैं। भराड़ी ओपी क्षेत्र द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए श्रीनगर थाना को इस संबंध में सूचित किया गया कि मृतिका के ससुराल में संभवतः इसका शव हो सकता है। श्रीनगर थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उसके ससुराल के बंद कमरे से मृतिका एवं उसकी छोटी पुत्री का सिर कटा लाश बरामद किया गया। साथ ही घटना में प्रयुक्त दबिया कांड के प्रदर्श के रूप में जीत सूची बनाकर जब्त किया गया है। इस घटना की क्या है पूरी सच्चाई, आपने इस घटना को क्यों अंजाम दिया? सच्चाई यही है सर, मेरी बीवी का किसी और से अवैध संबंध था। मैं अपने साला ससुर को जब ये बताने गया तो उल्टा मेरा साला ससुर मुझ पे ही भड़क पड़ा, मार के एकदम हलुमान बना दिया। देख लीजिए, इसे मारा कि मेरा आधा कबाड़ जो है ना काम करना छोड़ दिया, बोतर हो गया इसे। इमरान भाई को ही बताएंगे, इमरान भाई को, वो मेरा साला ससुर का लिया था ना, वो झूठ झूठ मेरे को जान लगा दिया था। कितने लोग थे तुम लोग घटना में? अकेले भागने के लिए बाइक किसका उपयोग किया? आपकी बहन की हत्या का आरोपी आज मुंबई से गिरफ्तार कर मधेपुरा पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है, जिसमें डीआईजी साहब पीसी करके उसको ज़्यादा न्याय देना ही क्या कहता है उसको सजा दिलाने की बात की है, क्या कहना चाहेंगे? इसको फांसी का सजा होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि दो दो हत्या कर चुका है और दो हत्या करने का वो धमकी भी दे चुका है, जो कि ऑडियो सबके पास है, सब सुना भी ऑडियो, इसको सिर्फ फांसी का सजा होना चाहिए। क्योंकि जिंदा रहेगा तो 2-4-5 साल का सजा हो गया तो कल के भी मार सकता है, क्योंकि खुलेआम धमकी दे चुका है, ठीक है ना, इसीलिए उसको फांसी का सजा मिल जाए। आखिर आप लोग को जो धमकी मिल रहा था तो क्या आप लोग को राहत मिले है? आज तो अपराधी जेल चल जा चुके हैं। थोड़ा तो राहत थोड़ा मिला कि पकड़ा गया है, फिर भी हो सकता है इसका गिरोह चल रहा था, गिरोह से भी मरवा सकता है, इसको जरूरी नहीं कि अकेला ही था, इसके साथ और भी बंदा होगा। अगर मुर्गी को भी जबा करता तो बंदा दो बंदे का सहारा लेता है, ये तो दो दो हत्या कर दिया, तो इसके कम से कम कुछ पीछे बंदा होगा, पूरा इसका घर का मिला होगा आदमी यार दोस्त होगा, इसका गिरोह चल रहा था, उसके पास दो दो हथियार भी है, वीडियो भी सबके सामने ही है, दो दो देसी कट्टा लेकर के भी धमकी दिया है, और ये भी उसका कट्टा कहाँ पे है, किसको दिया, इसका भी थोड़ा जांच होना चाहिए, ठीक है, इसके हिसाब से ही थोड़ा ये करते इसका जांच होना चाहिए, और भी कौन बन रहा है इसमें। न्यायपालिका से क्या मांग करेंगे? बस फांसी का सजा चाहते हैं बस, या तो हम लोग के हवाले कर दें, ठीक है, हम लोग उसको मांगते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बाबू। कौन है? लड़की का बहन है, भाई है। भाई है, ठीक है। जी सर, सर मुंबई से गिरफ्तारी हुई हत्या देखिए, ये 5 अगस्त की घटना है, आप सब लोगों को पता ही है, आप लोगों ने कवर भी किया है उसको, और इनफैक्ट आपके माध्यम से मुझे सबसे पहले पता चला था कि एक कटी हुई जो एक सर है वो मिला, जो मच बछड़ा गांव था उसके पास जो पुलिया थी, पुलिया के पास एक औरत का जो सर था वो पड़ा हुआ मिला था वहाँ पे। भराई ओपी को सूचना मिली थी, भराई ओपी को सूचना मिलने के बाद उस जो सर का है शिनाख्त करना शुरू किया, उसके बाद भराई ओपी को कुछ इनपुट्स मिले, उस इनपुट्स के बेसिस पे ये सामने आया कि शायद ये जो कटा हुआ सर है ये उस महिला का है, जो महिला श्रीनगर पुलिस थाना के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 1 में पोखरिया में रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर भराई ओपी द्वारा श्रीनगर पुलिस स्टेशन इंचार्ज को बताया गया, और पुलिस स्टेशन इंचार्ज श्रीनगर और भराई ओपी के स्टाफ आ गए। जब वो पोखरिया वार्ड नंबर 1 में जो सस्पेक्ट किया जा रहा था कि वहाँ पे ये लेडीज का ये डेड बॉडी हो सकता है, वहाँ जाने के बाद जो एक परसेप्शन था वो वहाँ पे जाने के बाद पुख्ता तौर पे उनके सामने आया। जब घर खोला गया तो मोहम्मद जिब्राइल का ये घर था, और घर में
उस लेडी का जो थर्ड था वो वहाँ मिला, और उसकी एक बच्ची थी 1.5 से 2 साल तक की, उसका भी गला रेत दिया गया था, उसका भी डेड बॉडी वहाँ पे था। फॉरेंसिक टीम को वहाँ पे बुलाया गया और फॉरेंसिक टीम के साथ उसके साथ आसपास में उसकी एविडेंसेस कलेक्शन का काम हुआ। उसके साथ जो वहाँ पे एक दबिया भी मिली, क्योंकि सस्पेक्ट था कि मोस्ट प्रोबेबल है कि वो ऑफेंस ऑफ जो ऑफेंस था, जो क्राइम था, उस क्राइम में उस दबिया का यूज़ हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग उसके भी एक FSL के द्वारा जांच शुरू की गई। और अब हमारे सामने सबसे बड़ा ये उस वक्त चैलेंज था कि लेडी की शिनाख्त हो चुकी थी, उसकी बेटी की भी शिनाख्त हो चुकी थी। तो जो उसका हस्बैंड है मोहम्मद जिब्राइल, वो गायब था। तो प्राइमर फेसिए सस्पेक्ट वही हमारा था। हालांकि मजगछिया गांव के आसपास जब लड़की के घर वालों को अप्रोच किया गया, उनके द्वारा वहाँ FIR रजिस्टर हुआ, और मोहम्मद जिब्राइल और उसके परिवार से जो रिलेटेड लोग हैं उनके खिलाफ़ नामजद FIR भी हुआ। लेकिन हमारा जो टारगेट था वो मोहम्मद जिब्राइल को अरेस्ट करना। तो जब हम उसको सस्पेक्ट ही कर रहे थे कि इसी ने मारा होगा, और कुछ इनपुट्स भी आने शुरू हो गए थे कि हाँ इसी ने मारा है, तभी आप ही के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ रिकॉर्डिंग्स हमारे समक्ष आई, जिसमें जो मोहम्मद जिब्राइल था ये चैलेंज कर रहा था। पुलिस के लिए स्पेशली चैलेंज था कि उसको पकड़ के दिखाया कि अगर खुल के सोशल मीडिया का यूज़ करके रिकॉर्डिंग डिस्प्लेस करके अगर चैलेंज कर रहा कोई, तो हमारी भी जवाबदेही थी, हमारा भी एक कर्तव्य था कि उसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। हालांकि उसके बाद एक स्पेशल टीम गठित की गई यहाँ पे SP मधेपुरा राजेश कुमार द्वारा, और मोहम्मद जिब्राइल के पीछे वो लग गए। लेकिन उसके सोशल मीडिया के अपीयरेंस के बाद ये अंडरग्राउंड हो गया, इसका ट्रेस नहीं था। लेकिन अचानक हमारी टीम लगी रही, लगने के बाद जो एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस होता है वो ऐसा है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से ये पता चला कि इसका जो मोस्ट प्रोबेबल लोकेशन है मुंबई में, तो उसके अकॉर्डिंग तुरंत ऐसे टीम भेजी गई। वहाँ पे जीरो डाउन किया गया कि ये एक नागपाड़ा करके लोकेलिटी है वहाँ पे मुंबई में, उस एरिया में रह रहा है, और वहाँ पे जो मेट्रो का काम होता है डिफरेंट, वहाँ पे एक लेबर के तौर पे इसने काम चालू भी किया, Phase 3 का जो काम चल रहा था मेट्रो का। तो जब उसको जीरो डाउन करने के बाद वहाँ पे फिर मधेपुरा पुलिस ने वहाँ उसको हिरासत में लिया, और हिरासत में लेके गिरफ्तार करके उसको यहाँ लाए, और आज कोर्ट के सामने उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही था कि, और आप जानते हैं कि हालांकि SP मधेपुरा इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन हम खुद यहाँ पे पर्सनली आए क्योंकि इसमें चैलेंज था, एक ललकारा गया था पुलिस को कि और इतना हीनियस क्राइम करने के बाद, एक बच्ची का गला काटने के बाद और पत्नी के एक सर धड़ से अलग करने के बाद, उस सर को दूसरी जगह डालने के बाद, और ये चैलेंज के तौर पर हमने लिया, और बाखूबी उसको निभाया, मेरी टीम ने निभाया, और उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। और जैसे अब इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद, हालांकि फॉरेंसिक एविडेंसेस है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, तो हम इसमें जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत इसको जो सजा है वो सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।